पहले ऐसे बाल थे यार, देखो साइड के ना बिल्कुल टाइम पे खत्म हो गए थे यार, है ना। तो साइड से भी देखो कितना बिल्कुल खाली खाली हो गया था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया अपना। 16 मार्च निकल चुके हैं आज। अच्छे तो लग रहे हैं ना। ये देखो हेयर लाइन डिजाइन होने के बाद ना कुछ ऐसी था, और फिर उन्होंने मेरा शेव कर दिया था हेयर ऊपर से। देखो ऊपर से ना मतलब उजड़ा हुआ चमन लग रहा था, बट स्टिल फिर भी स्टाइल में रहने के लिए ना मैंने एक सेल्फी तो ले ही ली वहाँ पे। अपने आप को मोटिवेट होना चाहिए ना। तो फर्स्ट डे ना हो नहीं पाया था पूरा ट्रांस। हाँ मुझे पता है बहुत वियर्ड लग रहा है, बट एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था तो इसलिए उन्होंने कैरी ऑन नहीं किया, और इसको हमने नेक्स्ट डे कैरी ऑन किया था। बट देखो कितना वियर्ड लुक आ रहा है यार, मतलब थोड़े से पार्ट में हेयर ट्रांसप्लांट है, थोड़ा सा पार्ट हटा हुआ है। तो ना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत 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 अजीब सा लग रहा था, बट स्टिल एक 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 अंदर का मजा था कि अब अच्छा हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे डे टू ऑफ सर्जरी एंड आई हैव टेकन द डिसीजन व्हिच मोस्ट ऑफ द गाइस हेजिटेट टू टेक इट, सो मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी कंप्लीट बाय टुडे एंड होप फॉर द बेस्ट, बट विल मीट एट हॉस्पिटल बाय। और जैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हुआ ना, तो ऐसी लुक आई थी यार, है ना। ये ना मतलब अमेजिंग लुक था यार, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया मेरे सर पे, है ना। छोटे 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 दाने थे, आधा हेड शिफ्ट था, इसके बाद मैंने पूरा हेड शिफ्ट कर दिया था, बट स्टिल अजीब सा तो लग ही रहा था। बट फिर मैंने सोचा देखा जाएगा, चलो बाइसेप्स पे ध्यान देते हैं ना। तो इसके बाद एक फ़ोटोशूट तो बनता ही था ना, ताकि पता रहे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ कैसा था। तो मैंने हर एक एंगल से एक फ़ोटो क्लिक करवाई अपनी, और हर एंगल में है ये मेरा टॉप लुक है। फिर मैंने साइड में भी सोचा साइड में भी कराई लेते हैं, तो साइड में हाँ मेरा डोनर एरिया भी थोड़ा रेड था, बट अभी बिल्कुल ठीक है ये, है ना। ऊपर से भी देखो कैसे हैं,